न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल राय और मैं हूं हरीश असवाल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस को लेकर जो जानवरों में फैलता है, खासकर की गाय में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे परिचित होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लंपी वायरस की, जिसकी वजह से देश में ना जाने कई राज्यों में कई गाय की जान चली गई और इससे दूसरी गाय भी संक्रमित हुई है। इसके लक्षण क्या है, रोकथाम क्या होनी चाहिए, जो पशुपालक है वो किस तरह से अपने मवेशी पशुओं का ध्यान रख सकते हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि लंपी वायरस जो है वो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में देखा गया, भारत में आया। पहले ये घातक नहीं था, लेकिन बाद में इसका जो दूसरा वेरियंट आया वो बहुत ज़्यादा घातक हुआ। इसमें जो गाय है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और लगातार उसके आंसू बहते हैं और चर्म रोग है तो इसी वजह से उसकी स्किन पर गांठें पड़ जाती हैं, भूख कम लगती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो गाय का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और ऐसे में वो दम तोड़ देती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो के ज़रिए हम ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचाएँ। देखिए, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, क्योंकि एक पूरा जो गाइडलाइंस है वो मेरे पास है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी, और बाकी मैं अलग से भी ये तस्वीरें आपको वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन अभी जो आप मेरे पास पेपर देख रहे हैं इस पे वो पूरी गाइडलाइंस है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम जागरूकता फैलाने के लिए ही, आप लोगों को जागरूक करने के लिए ही इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पशुपालक हैं, पशुओं को पालते हैं, दूध बेचकर गुजर बसर करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरीश जी मेरे साथ मौजूद है। सर, हम आज बात लंपी वायरस पे कर रहे हैं। लंपी वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है, वो तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इसकी रोकथाम कैसे हो। जी, लंपी वायरस जो है एक, ये पहले बकरियों में ये बीमारी पाई जाती थी और बकरियों से ये बीमारी आज गाय में ज़्यादा पाई जाती है। मतलब अगर आप भैंसों में देखें तो ये कम पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में भैंसों में पाई जाती है, पर गाय में बहुत तेज़ी से फैलती है। और इसकी रोकथाम करने के लिए सबसे पहले आप किसी भ्रम में ना आए, इसको आप पहले प्रॉपर इसका टीकाकरण कराएं। गवर्नमेंट द्वारा इसके ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के अंदर 15 लाख टीकाकरण हो चुके हैं और गवर्नमेंट इसमें एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट दे के लोगों मवेशियों की टीकाकरण करवा रही है। तो आप खासा ध्यान देकर किसी और भ्रम में ना आए कि कई बार लोग झाड़ फूक वाले उस पैटर्न पे चले जाते हैं, क्योंकि किसान भाई लोग इसको ज़्यादा मानते हैं, तो इस पे ना जाएं और मवेशियों को सबसे पहले टीकाकरण करवाएं। इसमें सरकार आपकी पूरी तरह से मदद कर रही है। दूसरी चीज़, इसके अंदर आपको एक और मैं सुझाव दे दूँ कि जो गर्भवती गाय हैं उनको भी टीकाकरण कराना अनिवार्य है, उनको जरूर कराएं। कई बार ये भ्रम है लोगों के बीच में, हमारे बीच में आया है प्रश्न, इसीलिए मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूँ कि गर्भवती गाय को लोग टीकाकरण नहीं कराते हैं, क्योंकि ये मानना जाता है कि उसके पेट में बच्चा है, इसके कारण उसको तकलीफ हो सकती है, पर ऐसा नहीं है, उसको जरूर कराएं। जिस पे ये बीमारी के लक्षण मिल रहे हैं उसको टीकाकरण ना करवाएं। उसकी इम्यूनिटी के लिए उसका खान पान, उसकी डाइट का ध्यान रखें, उसके साफ सफाई का ध्यान रखें और उसके इर्द गिर्द मच्छर मक्खी इस तरह के कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करें, जिससे कि ये मक्खी मच्छर ना फैले। और घाव कहीं पे हो गाय के तो घाव का खास साफ करके उसका ध्यान रखें। ये इसके सुझाव हैं। तो इसी तरह से हम अपने, और आयुर्वेदिक में भी इसका इलाज है। हाँ, वो मैं बताऊंगी आगे। हाँ जी, आपने अभी जिक्र किया कि मक्खी मच्छर और जो भी ऐसे इन्फेक्टेड जो संक्रमित करते हैं, ऐसे जो भी कीट है उनको दूर रखें, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण तो ये फैलने वाली बीमारी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट ट्रैवलिंग जो कीटाणु होते हैं वो मक्खी और मच्छर ही होते हैं, तो वो एक दूसरे जानवर पे, ऐसे जानवर को कहीं पे भी लक्षण पाए जाते हैं तो उस जानवर को तुरंत दूर रखें बाकी जानवरों से, और बाकी जानवरों से दूर रखने के साथ साथ उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें और बाकियों के पर ना फैले, इसके लिए ये सबसे बेहतर तरीका है। और डाइट जो है, इसमें मेन चीज़ है डाइट। जो जानवरों की डाइट है वो डाइट अच्छी होनी चाहिए, पौष्टिक भोजन होना चाहिए उनका, और उनको अच्छे से साफ सफाई के बीच में ही रखें। और हाँ, इससे एक चीज़ और मैं बता दूं, इसका दूध जो है, अगर किसी जानवर को ये वायरस ऑलरेडी आ चुका है, उसका दूध को
बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ना उसके बच्चे को पिलाएं, ना ही खुद इसका इस्तेमाल करें। और आजकल जहाँ तक ये लंपी वायरस फैल रहा है तो दूध गर्म करके ही पिएं, कच्चा दूध ना पिएं। बिल्कुल हरीश जी, बहुत जगह हमने देखा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं, आपने भी देखा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि लंपी वायरस जो है वो इंसानों में भी फैल जाएगा, इस वजह से उन जानवरों को जो गाय हैं जो इससे पीड़ित हैं जो संक्रमित हैं उनको मारते हैं, दूध काटते हैं, ना तो नगर निगम को फ़ोन करते ना ही पशुपालन विभाग को फ़ोन करते हैं, और इसी वजह से जो गायें दम तोड़ देती है। इसके लिए कोई सुझाव अगर आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इंसानों के लिए भांति भांति प्रकार के डॉक्टर हैं। आप किडनी विशेष किडनी के पास जाओगे, किडनी का स्पेशलाइज मिलेगा, ब्रेन का मिलेगा, हड्डी का मिलेगा, और जानवरों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है, वही सर्जन भी है तो वही मेडिसिन वाला भी है। तो आपको कोई डिफरेंट तरह के लोगों के पास नहीं जाना है, एक ही डॉक्टर के पास जाना है, और इससे इंसानों में फैलने के चांसेस कम होते हैं, कम के ना के बराबर ही होते हैं, अगर आप उसका दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसके द्वारा वायरस कोई और रूप ले ले वो अलग चीज़ है, लंपी इंसानों में नहीं पाया जाता है। अभी हरीश ने जिक्र किया कि आयुर्वेद में भी अगर कुछ ऐसा आपके जानवर में लक्षण दिखाई देते हैं तो आयुर्वेद के जरिए भी आप अपने जानवरों को ठीक कर सकते हैं, तो मैं वो बहुत जल्दी से पर मैं फिर बोल दूं, हाँ। टीकाकरण जरूर कराएं, हाँ। आयुर्वेदिक से आप उनकी क्षमता, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, पर ये नहीं कि आपने आयुर्वेदिक में चले गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीकाकरण नहीं कराएंगे। कोरोना वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी थी और देश भर के लोगों ने वो टीकाकरण कराया, तो जानवरों के लिए खास करके गाय के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम बार बार इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि टीकाकरण जरूर कराएं। तो मैं बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ, देखिए बहुत सारे डॉक्टर से हमने बात की है, जो पशु चिकित्सक है उन्होंने बताया कि साफ सफाई, जैसा कि हरीश जी पहले ही बता चुके हैं, वो जरूरी है। इसके अलावा काली मिर्च, तुलसी, लौंग, सौंठ, हल्दी और एक लड्डू, ये जो मिला इसको मिलाइए, एक लड्डू बनाइए और अपने जो लंपी वायरस से पीड़ित गाय है उसको जरूर खिलाएं, और इसके बाद गंभीर अवस्था में, हरीश जी गंभीर अवस्था में जो ये है संक्रमण वो नहीं पहुंचेगा, यानी कि डेथ रेशियो जो है कम हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी बढ़, हाँ, जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस विधि का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हरीश जी आपको बताएंगे कि इसके अलावा हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस हो, गाइडलाइंस कुछ ऐसा संदेश हो। गाइडलाइंस इसमें सरकार द्वारा जो चिन्ह दी गई है वो आप हम अपने स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, और बाकायदा इससे डॉक्टर से सलाह जरूर लें, और इससे सरकार द्वारा बिल्कुल इससे बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है। अभी तक सबसे बड़ा अभियान जो है, सारे बॉर्डर सीज कर दिए गए हैं, कोई जानवर बाहर से नहीं लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसी तरह से आप लोग भी इसका खासा ध्यान रखें, और किसी तरह का कोई जानवर से किसी में भी संक्रमण है तो उसको तुरंत दूर करें, और इसकी सूचना अपने अस्पताल में, जानवरों के अस्पताल में जरूर दें, नगर निगम को दें, ताकि ये आगे की रोकथाम की जा सके। फिर मैं दोबारा से कह रही हूँ कि ऐसे जानवरों को ना तो मारिए ना ही उसे दुत्कारिए, आप फोन कर सकते हैं नगर निगम को, आप फोन कर सकते हैं पशुपालन विभाग को, वहां जाइए, उनको फोन करिए, शिकायत करिए, वो खुद उस जानवर को ले जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट, इम्यूनिटी जो भी है उस पर वो काम करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसा ना करें, कहीं भी आपको कोई ऐसा ऐसी गाय दिखती है, ऐसा कोई जानवर दिखता है जो किसी भी संक्रमण से संक्रमित हो, तो उसको लेकर आप जरूर उस विभाग से रिलेटेड फोन करें, आएंगे विभाग वाले और उनको लेकर जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा जरूरी, एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ, ये वो रोकथाम के लिए ये गाइडलाइंस जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये वायरस देखा गया था, तो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, और आगे भी मैं इस वीडियो में भी मैंने विजुअल्स आपको विजुअल्स के जरिए दिखा दिया है, एक बार फिर से मैं दिखा दूँ, हाँ। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, अपने जानवर को खुले में ना छोड़ें, अपने जानवर को कई लोग चराने के लिए बाहर छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल ना करें, अपने जानवर को अपने पास ही रखें, उसकी व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था अपने पास करें, ताकि वो संक्रमण आगे किसी पे ना लेके आए ना लेके जाए। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इसे फैलाएं, बिल्कुल, और अपने जानवर का खासा ध्यान रखें, वो आपका परिवार का सदस्य है, अपने सदस्य, अपने बच्चे की तरह ही उसको।
ट्रीट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आजीविका दूध बेचने से, इन्हीं पशु पालन से ही चलती है। और कल हमारा वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल हम, जैसे आज हमने गाय के संक्रमण को लेकर लंपी वायरस पे बात की है, कल हम बात करने वाले हैं एक और खतरनाक वायरस पे, जो जानवरों के लिए तो नहीं लेकिन जानवर से इंसान में फैला है और इंसान के लिए बहुत खतरनाक है, कोरोना से भी ज्यादा डेथ रेशियो है। जी, मैं बात कर रही हूँ निपा वायरस की। तो कल ये वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।